हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भावना बिस्ट और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी SOL के जो एडमिशन्स हैं मास्टर्स के लिए वो स्टार्ट हो चुके हैं और उसकी भी एक प्रॉपर मेरिट लिस्ट आएगी। जिन जिन स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नेम होगा, जिनके मार्क्स उस मेरिट लिस्ट से मैच हो रहे होंगे, सिर्फ उनको ही एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा। नो, फर्स्ट स्टेप है कि आप लोग को रजिस्टर करना है, जिसकी फ़ी है 250 रुपीज़। बहुत से स्टूडेंट्स ने कर भी दिया होगा, लेकिन मेरे पास काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे। बच्चों को डाउट्स थे कि क्या एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो जा चुकी है या अभी भी हम फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते। तो इसलिए मैं आज आपको बहुत ही शॉर्ट में बताने वाली हूँ कि अभी तक आप लोग अपना SOL में अप्लाई रजिस्टर कर सकते हो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, 2024 SOL PG के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट है 16th of August। 16 अगस्त से पहले पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, ये नोटिस है SOL का प्रॉपर लिखा हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और डेट आप देख सकते हो कि कब आया था ये। तो ये वाला नोटिस आपका 28 जुलाई को आ गया था। अब यहाँ पे पूरा शेड्यूल है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो आप लोग का एडमिशन है वो ग्रेजुएशन मार्क्स के बेसिस पे होगा। इनके दो मतलब हमारे पास नोटिस आए थे, एक था ग्रेजुएशन बेसिस पे और एक था CUT के स्कोर के बेसिस पे। तो जो बच्चे SOL में एडमिशन CUT के स्कोर्स पे लेना चाहते हैं, उनकी जो लास्ट डेट थी वो तो निकल चुकी है। ठीक है, वो थी 31st of July तक, वो डेट तो जा चुकी है। बट जिन बच्चों को ग्रेजुएशन के जो उनके मार्क्स हैं उनके बेसिस पे एडमिशन लेना है, तो उनके पास अभी भी टाइम है। आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है 16th of August, तो 16 अगस्त तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जिसने नहीं किया वो कर लो अभी भी, तो आपके पास टाइम है। उसके बाद ये लोग फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकालेंगे 20th अगस्त को, जिस दिन ट्यूसडे है। मेरिट लिस्ट के बाद जिन जिन स्टूडेंट्स का उसमें नेम होगा वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से मांगे जाएंगे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स हो गया, आप लोग की मार्कशीट होगी फाइनल की, तो वो सब आपका आप सबका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा ऑनलाइन। ऑफलाइन नहीं है, सारा काम ऑनलाइन होगा, लिखा हुआ है यहाँ पे ऑनलाइन। और फिर आपको अपनी जो भी आपकी आपकी जो फ़ीस होने वाली है कॉलेज की वो आप पे करोगे। तो उसकी डेट भी इन लोगों ने लिखी हुई है 21st of August से लेके 25th of August तक। ओके, फिर ये तो था फर्स्ट मेरिट लिस्ट का। उसके बाद वो लोग सेकंड मेरिट लिस्ट भी निकालेंगे। दो मेरिट लिस्ट आने वाली है, उसके बाद भी अगर सीट बचती है तो थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएंगी। लेकिन अभी जो हमारे सामने है वो है कि सिर्फ दो मेरिट लिस्ट आएंगी। उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी 27th of August को, और सेम उसके बाद जिन बच्चों का सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा वो बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएंगे ऑनलाइन और अपनी फ़ी पे करेंगे। उसकी डेट यहाँ पे लिखी हुई है 28 अगस्त से लेकर 31st अगस्त तक। तो आप लोग अभी भी जा सकते हो, अप्लाई कर दो। SOL की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाओ और देखो, वहाँ पर दो ऑप्शन है, UG एडमिशन 2024 और PG एडमिशन 2024। तो अगर आपको मास्टर्स में एडमिशन लेना है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप उस पर क्लिक करोगे PG वाले पे, फिर आप अपने अप्लाई करोगे, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, आप लोग की 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और कॉलेज की ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ओके, पूरा डॉक्यूमेंट फिल करवाना, 5-6 पेज का आप लोगों का फॉर्म होने वाला है। लास्ट में 250 आप लोगों को फ़ी पे करनी है, जो कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी है। तो उसके बाद आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब मेरिट लिस्ट आएगी 20th अगस्त को यानी कि 20 तारीख को, तब आप अपना देखना आपका नेम है या नहीं है, फिर आपको उसके बाद अपना एडमिशन करवाना है। ओके, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कोई भी डाउट है मेरे से पूछ लेना, ठीक है। टेलीग्राम वाला ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम की ID का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। अब मैंने कहा अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।